हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीजन आर्ट एंड क्राफ्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे फर्स्ट चैनल मेहंदी सीजन को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं मोर पंख की कैरी बूटी बनाना बताऊंगी। ये बूटी मैं दो तरह से बनाना बताऊंगी। बूटी बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत होगी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बॉल चैन ली है। अगर आप के पास ये कैरी बूटी शेप के बेस नहीं है तो आप बॉल चैन से बना सकते हैं। ये देखें, मैंने पेंसिल ली है, ये बुकरम, और ये मोर पंख लिया है। ये मोर पंख मैंने ये सिंपल पोलोथीन जो आती है उस पर चिपकाया हुआ है। ये देखिए फेविकोल लिया है, और हमें स्केल की ज़रूरत होगी। और इसे बनाने के लिए हमें स्टोन चैन की भी ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बुकरम का जो पीस है इसे नाप कर दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई का ये टुकड़ा लिया है। ये देखिए, पहले मैं बॉल चैन से बूटी बनाना बताऊँगी। ये देखिए, जिस साइज़ के हैं हमारी मार्केट से बेस जो आता है, इसी साइज की हम बॉल चैन से भी बनाएंगे। ये देखिए, इसकी लंबाई 1 इंच है और इसकी चौड़ाई 1/2 इंच है। तो इसी साइज की बूटी हम बॉल चैन से भी बनाएंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से बुकरम पर निशान लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, निशान लगाने के बाद हमें इस तरह से कैरी बूटी की शेप दे देनी है। ये देखिए, बिल्कुल इसी साइज का बना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमें मोर पंख लेना है, और मोर पंख में से हमें बूटी के साइज का पीस कट करना है, और ये इस टुकड़म के ऊपर चिपकाना है, और ऊपर से बॉल चैन लगानी है। तो चलिए बना लेते हैं। बॉल चैन लगाने के बाद अब हमें स्टोन चैन लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बूटी
तैयार हो गई है। अब हम ये जो बेस है हमारे पास कैरी बूटी का, इस बेस से बनाना बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी बूटी भी बन गई है। फ्रेंड्स, ये सूखने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।